एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज है हमारा 28th डे ऑफ 35 डेज वेट लॉस चैलेंज। सो आज मॉर्निंग में उठते ही यू विल हैव द सेम ड्रिंक एप्पल साइडर विनेगर, जो बहुत हेल्प करता है आपका स्पेशली बेली फैट रिडक्शन में, बट विद वर्कआउट। इट्स नॉट लाइक दैट कि ओनली आप एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हैं और वर्कआउट या डाइट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, देन इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्क। ओके, सो आपको एप्पल साइडर विनेगर के साथ थोड़ा सा वर्कआउट, थोड़ा सा डाइट, उसके साथ अगर आप चलते हैं देन इज दी बेस्ट कॉम्बिनेशन। तब जाके एप्पल साइडर विनेगर वर्क्स एंड इट रियली डज। इट्स बीन प्रूफ, एक स्टडी हुई थी उसमें ये प्रूफ हो चुका है दैट एप्पल साइडर विनेगर आपके बैली को, आपकी जो बैली फैट है, वेस्ट साइड में जितना भी फैट है वो रिड्यूस करता है। सो एप्पल साइडर विनेगर लेना आपको कैसे, 1 टेबल स्पून विद लिक्विम वाटर और 15 ml मीन्स 1 टेबल स्पून मीन्स 15 ml, एंड रात को सोते वक्त भी, मतलब सोने से पहले भी आप 1 टेबल स्पून ले सकते हैं एप्पल साइडर विनेगर विद अगेन लिक वॉर्म वाटर। जिनको कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है दे कैन हैव इट विद वॉर्म वाटर, और जब वॉर्म वाटर के साथ ले रहे हैं तो सिप बाय सिप लेना है, आराम से लेना है। एंड मेक श्योर कि स्ट्रॉ यूज करना है, अगर चाहते हैं कि टीथ में प्रॉब्लम आगे जाके ना हो, जस्ट मेक श्योर कि यू हैव टू ड्रिंक इट विद स्ट्रॉ। ऑल राइट, देन मॉर्निंग ड्रिंक की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं हम ब्रेकफास्ट की। सो ब्रेकफास्ट आज हमारा होने वाला है पीनट बटर सैंडविच लेंगे। पीनट आप कितना यूज करेंगे, 1 teaspoon पीनट विद 2 multigrain bread, 2 slices ऑफ मल्टीग्रेन ब्रेड और ब्राउन ब्रेड। सो कुछ भी ले सकते हैं बट नो अदर ब्रेड, नो व्हाइट ब्रेड, मेक श्योर अबाउट दैट। कुछ भी हो जाए व्हाइट ब्रेड आपको किसी भी हालत में नहीं लेना है। मल्टीग्रेन ब्रेड और ब्राउन ब्रेड दोनों में से कोई भी ब्रेड लेंगे, ओनली 2 slices विद 1 teaspoon पीनट बटर। सो दिस इज गोइंग टू बी योर ब्रेकफास्ट, एंड विद दैट यू कैन हैव ग्रीन टी, मिल्क टी, मिल्क कॉफी, एनी वन, बट विदाउट शुगर। शुगर आप बिल्कुल नहीं लेंगे। इफ यू लाइक टू हैव जैगरी, जस्ट स्मॉल चंक जैगरी आप ले सकते हैं, बट नथिंग एल्स। ओके, सो एंजॉय टू ब्रेकफास्ट, आई एम ऑल्सो गोइंग टू हैव इट, और इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ मिड मॉर्निंग स्नैक में। बट उससे पहले, ब्रेकफास्ट के बाद आई मीन, आपको क्या करना है, 20 minutes वॉक। डोंट फॉरगेट दैट यू हैव टू डू 20 minutes वॉक, और 3 liter लिक्विम वाटर आपका टारगेट रहेगा, वो आपको कंप्लीट करना है सनसेट से पहले पहले। सो आई सी यू इन मिड मॉर्निंग स्नैक टाइम। बाय बाय, टेक केयर, एंड आई सी यू वेरी सून। हाई एवरी वन, वेलकम बैक। सो नाउ इट्स टाइम फॉर मिड मॉर्निंग स्नैक। सो मिड मॉर्निंग स्नैक में टूडे वी आर गोइंग टू हैव 2 walnuts एंड 1 guava। दिस इज योर मिड मॉर्निंग स्नैक, सो गो एंड हैव इट। आई एम ऑल्सो गोइंग टू हैव इट, और इसके बाद आई सी यू इन लंच टाइम। सो बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉक, एंड 3 liter लिक्वॉर्म वाटर, यू हैव टू ट्रैक दैट। ओके, सो बाय बाय, सी यू वेरी सून। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो नाउ इट्स टाइम फॉर लंच, और लंच में आज हम लेने वाले हैं, आज के बाद हम व्हाइट राइस तो बिल्कुल नहीं लेने वाले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं पहले ही आपको एडवांस में बता चुकी हूँ कि अब से हम अपने डाइट में इंक्लूड करने वाले हैं ब्राउन राइस। ठीक है, तो ब्राउन राइस लेंगे या फिर आप रोटी लेंगे, कोई भी एक ऑप्शन आपके लिए रहेगा फॉर लंच। तो आज हम लेने वाले हैं राइस, ब्राउन राइस। ब्राउन राइस आप लेंगे 60 ग्राम, 50 to 60 ग्राम आपका ब्राउन राइस रहेगा, और उसके साथ आज हम लेंगे राजमा। यस, राजमा लेंगे जिसमें आपको बहुत सारा विस्कस फाइबर मिलेगा, बहुत सारा सॉल्युबल फाइबर है इसमें, तो आपको फुल रखेगा, ज्यादा देर तक भूख नहीं लगने देगा, आपको फुल रखेगा। सो राजमा लेना आपको, कैसे बनाना है, बहुत ही कम ऑयल में। ठीक है, मसाले कम से कम, बहुत कम ऑयल, ओनली ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल, कोई और ऑयल आप यूज नहीं करेंगे। राजमा कितना लेंगे, मीडियम साइज कटोरी। ठीक है, थोड़ा सा, एक कटोरी से थोड़ा सा कम, एंड प्लस 50 to 60 ग्राम ब्राउन राइस। हैव अ लुक। सो गाइस, आज का जो लंच रहेगा वो रहेगा ब्राउन राइस। ब्राउन राइस ही लेने वाले हैं अभी हम, हमारा 1 हफ्ता बचा है अभी 35 डेज वेट लॉस चैलेंज को, तो ओनली ब्राउन राइस अभी हमें कम्प्लीटली इग्नोर करना है, नहीं लेना है रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स को हम बिल्कुल अवॉइड करने वाले हैं। या तो आप ब्राउन राइस लीजिए 50 to 60 ग्राम, या फिर 2 multigrain roti इन लंच विद, आज हम ले रहे हैं यहाँ पे राजमा। राजमा लिया मैंने यहाँ पे एक छोटी कटोरी। ठीक है, ये पका होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल में। सो ये रहेगा आपका लंच, इंजॉय करो, खूब सारा सैलेड साथ में लो, और इफ यू वांट टू लाइक दही थोड़ा सा तो वो भी आप ले सकते हो, गो फॉर दही आल्सो। सो एंजॉय योर लंच, और इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ
इवनिंग स्नैक मिल, जो कि बहुत लाइट आज हम रखने वाले हैं। सो बाय बाय, आई विल सी यू इन इवनिंग स्नैक। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो नाउ इट्स टाइम फॉर इवनिंग स्नैक। आज लंच में हमने राजमा लिया था, मैंने तो थोड़ा सा और ज्यादा ले लिया था, तो ये गलती नहीं करनी है, ज्यादा नहीं लेना है, क्वांटिटी कम ही रखनी है। तो इसलिए अगर ज्यादा नहीं भी लिया था तो भी आज का इवनिंग स्नैक सिर्फ ग्रीन टी रहेगा। ग्रीन टी के अलावा आप कुछ नहीं ले रहे हैं, ठीक है? ओनली ग्रीन टी। ग्रीन टी इंजॉय करो, और अगर नहीं रह जाता है, लाइक लगता है कि आप भूख लग रही है, तो ऑप्शन में दे रही हूँ, आप साथ में ले सकते हैं फिग, दो फिग ले लेना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। दो फिग या फिर टू डेट्स, ओनली टू, नॉट मोर देन दैट। जस्ट मेक श्योर अबाउट दैट। इंजॉय करो अपना इवनिंग स्नैक टाइम, और मैं आपसे मिलती हूँ ना डिनर के वक्त। ओके, बाय बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो गाइस, आई हैव टू गो आउट टुडे, आई हैव टू अटेंड अ पार्टी। सो मेरा डिनर मैंने तो कर चुका है, आपको भी आज अपने डिनर में लेना है 250 ग्राम पपाया, नॉट मोर देन दैट, विदाउट सॉल्ट, जस्ट स्प्रिंकल चिया सीड, 1 टेबल स्पून चिया सीड। सो दिस वुड बी योर डिनर टुडे, और आई होप अब तक आपने 10K स्टेप्स कर लिए होंगे। नहीं किए हैं अब तक तो प्लीज डिनर के बाद 20 मिनट्स वॉक डेफिनेटली कर लेना, डोंट फॉरगेट प्लीज। एंड सनसेट से पहले पहले, यानी कि डिनर से पहले पहले, आई होप आपने अब तक जो आपका 3 लीटर इंटेक था, वाटर इंटेक, वो आपका टारगेट पूरा हो चुका होगा। सो सनसेट से पहले पहले करेंगे। आई कम लेट, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग वीडियो राइट नाउ, एंड मैं अपना वर्कआउट करके जा रही हूँ। आई होप आपने भी अपना वर्कआउट किया होगा, डोंट फॉरगेट दैट। सो मैं आपसे अब कल मिलती हूँ, देन टेक केयर, एंड प्लीज डोंट चीट। आपको चीट नहीं करना है इफ़ यू वॉन्ट टू सी रिजल्ट। मुझे पता है थोड़ा सा फेस डिफिकल्ट है डिनर के लिए, थोड़ा सा हर कोई बोलता है कि थोड़ा सा लगता है, बट ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखना है, क्रेविंग को कंट्रोल रखना, इज जस्ट ब्रेन, नथिंग एल्स। ओके, आपकी बॉडी को नहीं है जरूरत इतना ज़्यादा खाने की। पानी पीजिए, वॉक कीजिए, डिनर में 250 ग्राम पपाया फॉर टूडे विद 1 टेबल स्पून चिया सीड। ऑलराइट देन, मैं आपसे मिलती हूँ कल। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंड स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जितना खुश रहोगे उतना ज़्यादा वेट रिडक्शन करोगे। ओके, सो बाय बाय।